तो सर TTML, एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, TTML कैसा दिख रहा है? पता नहीं, हमको तो कुछ दिखता नहीं है स्टॉक में। मैंने अलेक्स जी बहुत कुछ खोजने की कोशिश की कि मार्केट आखिर इस शेयर को वैल्यू क्यों देता है इतना, और मैं अभी तक मतलब इस खोज में लगा हूँ और मेरे हाथ कुछ लगा नहीं है। आप कह लो, आप माइंड्स में आपको संभावनाएं दिख रही है कि हो सकता है कुछ इसमें हो, क्योंकि प्राइस में इम्पैक्ट बहुत दिखता है। और इन दिनों अगर आप देखेंगे तो 90 रुपये से बढ़कर 150 रुपये हो गया। मतलब बार 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 इसके पहले भी मतलब टाटा का जो न्यू वहां पर आने वाला था उस समय लोग बात कर रहे थे, मार्केट में बहुत सारी इंक्वायरीज आती थी कि ये चीजें हैं क्या है इसमें, और कहीं भी कुछ इसका ट्रेस मुझे नहीं मिलता था। तो और मार्केट कैप जिस तरह से कमाई जमाई है नहीं कुछ उतनी, तो फंडामेंटली मतलब बहुत डिसास्ट्रस हो सकता है अगर कोई चीजें इसमें फंसे तो। आपने हमेशा स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट लगाए, जहां पर कि डार्क ग्रे एरिया है, मतलब कहने की ग्रे एरिया की तरफ टाटा की एक कंपनी है जिसमें कि मुझे दिखता है ग्रे, अदरवाइज और कोई कंपनी तो नहीं है जहाँ पर इतना ग्रे दिखता हो। टीटीएमएल में वो ग्रे एरियाज हैं। अभी अगर टेक्निकली बात करें तो 150 के ऊपर निकलता है तो आपको एक मोमेंटम मिल सकता है, 200-220 तक जा सकता है इसका। और निचले स्तरों पे आपको देखना है कि 100 आपने अगर है आपके पास तो आप 127-128 के नीचे की क्लोजिंग आ जाए तो निकल जाए इसमें से। ठीक है, तो ये है राय TTML पे संतोष सर की।